उड़ीसा के बालासोर में 3 ट्रेनों के टकराने की वजह से हुए हादसे में अब तक 233 लोगों की जान जाने की खबर है। वहीं करीब 900 लोग घायल हैं। इस घटना के बाद NDRF, SDRF से लेकर सुरक्षा बलों के कई जवानों को भी राहत बचाव कार्यों में लगा दिया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक शनिवार सुबह की घटना स्थल से शवों को निकालने का काम जारी है। इस हादसे के कई घंटे बीत जाने के बाद भी अब तक कई लोगों को यह साफ नहीं है कि आखिर 3 ट्रेनें आपस में टकराई कैसे। हादसे में घायल कई लोगों ने दुर्घटना को लेकर अलग अलग वर्जन भी दिए हैं। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि इस ट्रेन दुर्घटना का पूरा घटनाक्रम क्या रहा, कैसे हुई ट्रेन दुर्घटना, चलिए आपको बताते हैं। ट्रेन हावड़ा की ओर जा रही थी। इसी दौरान शुक्रवार देर शाम इस ट्रेन के कुछ डिब्बे पटरी से उतर गए और बगल के ट्रैक में पलट गए। शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस दूसरे ट्रैक से चेन्नई की ओर जा रही थी। यह ट्रेन ट्रैक पर पलटे बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस के डिब्बे से टकरा गई। इस टकराव के बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस के कुछ डिब्बे पटरी से उतर गए और अगले ट्रैक में एक मालगाड़ी के डिब्बे से टकरा गए। बताया जा रहा है कि यह हादसा बालासोर जिले के बहंगा बाजार स्टेशन पर हुआ, जो कि कोलकाता से दक्षिण में 250 किलोमीटर और भुवनेश्वर से उत्तर में 170 किलोमीटर पर स्थित है। अधिकारियों के मुताबिक बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट के डिब्बे शाम करीब 6:55 पर पटरी से उतर गए। वहीं कोरोमंडल एक्सप्रेस के डिब्बे 7 पटरी से उतर गए। यानी यह घटना महज 5 के अंतराल में हुई। इस हादसे को लेकर उड़ीसा सरकार ने एक दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया है। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने अपनी सभी कार्यक्रम रद्द कर दी। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शनिवार को ही उड़ीसा में घटना स्थल का दौरा कर सकती है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने एक ट्वीट के जरिए अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। PM ने अपने ट्वीट में लिखा कि उड़ीसा में ट्रेन हादसे की घटना से व्यथित हूँ। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संतृप्त परिवारों के साथ है। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना है। वहीं राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने ट्वीट पर बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उड़ीसा के बालासोर में हुई रेल दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि उड़ीसा के बालेश्वर में एक दुर्भाग्यपूर्ण रेल घटना में लोगों की मौत के बारे में जानकर गहरा दुख हुआ। मेरा शोक संतृप्त परिवारों के लिए जाता है। मैं बचाव कार्यों की सफलता और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूँ। साथ ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी उड़ीसा के बालासोर में ट्रेन दुर्घटना में हुई लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। वहीं आपको बता दें कि आज़ादी के बाद से यह अब तक की सबसे बड़ी घातक दुर्घटनाओं में से एक है। इससे पहले कब कब ऐसी दुर्घटनाएं देखने को मिली, इस पर एक नज़र डालते हैं। 20 अगस्त 1995 को फिरोजाबाद के पास पुरुषोत्तम एक्सप्रेस खड़ी हुई कालिंदी एक्सप्रेस से टकरा गई। इस घटना में मरने वालों की संख्या 305 के करीब थी। वहीं 26 नवंबर 1998 को पंजाब के खन्ना में जम्मू तवी सियालदह एक्सप्रेस पटरी से उतरने फटियर गोल्ड टेम्पल मेल की 3 डिब्बों से टकरा गई। इस हादसे में 212 लोग मारे गए थे। वहीं 2 अगस्त 1999 को ब्रह्मपुत्र मेल उत्तर सीमांत रेलवे के कटिहार मंडल के गैरसल स्टेशन पर खड़ी अवध असम एक्सप्रेस से टकरा गई, जिसमें 285 लोग मारे गए और 300 के करीब घायल हुए थे। वहीं 20 नवंबर 2016 पुखरायन में इंदौर राजेंद्र नगर एक्सप्रेस के 14 डिब्बे पटरी से उतर जाने की वजह से घातक हादसा हुआ, जिसमें 152 लोगों की मौत और 260 लोग घायल हुए थे। तो आपको कैसी लगी हमारी जानकारी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए सिर्फ जनहित टाइम्स के साथ।